बेबी डोल, चिटियां कलाइयां जैसे गानों को गा चुकी कनिका कपूर को तो खैर आप जानते ही होंगे। मैडम ने एक ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से अब काफ़ी लोगों की जान पर बनाई है। क्या किया है मैडम ने, आइए आपको बताते हैं। दरअसल लंदन से लौटी बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। फिलहाल उन्हें लखनऊ के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। कनिका कुछ दिनों पहले ही लंदन से भारत लौटी थी, वहां वो कोरोना से संक्रमित हो गई थी। खबरें हैं कि जैसे ही वो एयरपोर्ट पर उतरी तो जांच में सहयोग ना करके वहां से चोरी छिपे निकल आई। उन्होंने अपने कोरोना वायरस से पीड़ित होने की बात सबसे छुपाई और लखनऊ के एक बड़े होटल में ठहरी। वहाँ उन्होंने डिनर पार्टी भी दी। खास बात ये रही कि इस पार्टी में बीजेपी नेताओं समेत 500 से ज़्यादा लोग शामिल थे। अब आप खुद समझ लीजिए कि कनिका कपूर ने अपनी लापरवाही से कितने लोगों को खतरे में डाल दिया है। कनिका काफ़ी पढ़ी लिखी है, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो इस बात को ना जानती हो कि कोरोना का संक्रमण संपर्क में आने से फैलता है। कनिका सेलिब्रिटी है तो जाहिर सी बात है कि उनके साथ फोटो वोटो खिंचाने या बात करने की ज़्यादातर लोगों ने कोशिशें की होंगी। ना जाने कितने ही लोग कनिका के टच में आए होंगे। अब चूंकि इन लोगों को नहीं पता था कि कनिका कपूर को कोरोना संक्रमण है, इसलिए ये लोग तो हर रोज़ की तरह नॉर्मल ही अपनी सोसाइटी में घूमे फिरे भी होंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि एक अकेली कनिका कपूर ने कितने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है। कनिका पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने हरकत की है वाकई वो पढ़े लिखे गवारों जैसी है। कनिका शायद खुद तो बच जाएं, लेकिन उनकी वजह से अब समाज को जो नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कनिका कपूर ही ऐसा कर रही हों, देश में ऐसे भी केस निकल कर सामने आ चुके हैं जब आइसोलेशन वार्ड से निकल कर कोरोना पॉजिटिव भाग गए हों। हालांकि बाद में उन सबको पकड़ भी लिया गया। इटली अपने पति के साथ हनीमून मनाने गई एक महिला को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया तो उसको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया ताकि उसका संक्रमण बाहर ना फैल सके, पर वो महिला वहां से भाग निकली जिसको बाद में उसके मायके से पकड़ा गया। मजेदार बात यह रही है कि जितने भी आइसोलेशन वार्ड से भागने के केस सामने आए हैं वो सब लोग पढ़े लिखे हैं। कनिका जैसे लोगों को शायद ये लगता होगा कि अगर समाज में उनको कोरोना होने का पता लग गया तो भारी भयंकर बेइज्जती हो जाएगी। अरे भैया काहे की बेइज्जती, ये महामारी है और अगर आपको ये हो गई है तो इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप चीज़ों को कब तक छिपा सकते हो, एक हफ्ते दो हफ्ते, पर बाद में तो वैसे भी सबको पता लग ही जाना है। तो सारे में अपनी हरकतों पर थू थू कराने से बढ़िया है कि अपने भीतर लक्षण दिखते ही जाँच कराई जाए, या फिर अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हो तो प्लीज़ बिना देरी किए समाज से बहुत दूर हो जाइए, क्योंकि आपकी ज़रा सी भूल पूरे भारत पर भारी पड़ सकती है। कनिका पढ़ी लिखी अनपढ़ निकल गई, लेकिन आप तो समझदार हैं ना। प्लीज़ जांच अधिकारियों का सहयोग कीजिए। प्लीज़ अपने कोरोना पॉजिटिव होने की बात को किसी से मत छिपाइए। प्लीज़ भारत को इटली या चीन मत बनने दीजिए। यकीन मानिए आपकी सावधानी ही पूरे भारत की जान को बचा सकती है। प्लीज़ चीज़ों से भागिए मत, बल्कि इनका मुकाबला करना सीखिए। उम्मीद है आप सुधरेंगे और भारत को इस महामारी से निकलने में मदद करेंगे। शुक्रिया।